गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। इससे पिछले वाली क्लास में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। शासन की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सामान्य कालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्य काल में राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो सामान्यकालीन शक्तियां कहलाती है और आपातकाल के समय यानी संकट के समय राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां कहलाती है। सबसे पहले सामान्यकालीन शक्तियां, इसमें कार्यपालिका शक्तियां। चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है इसलिए उसे कार्यपालिका के क्षेत्र में काफी शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और समय समय पर प्रधानमंत्री से शासन की जानकारी प्राप्त करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपालों, राजदूतों, उच्चायुक्तों, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। दूसरा है विधायी शक्तियां। क्योंकि राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है इसलिए उसे विधायी क्षेत्र में भी काफी शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और निम्न सदन लोकसभा है उसको भंगी भी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है और जब संसद का सत्र अवसान हो यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तीसरी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को काफी शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्र का बजट राष्ट्रपति की ओर से ही संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्र की संचय निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। उसमें से धन खर्च करने की इजाजत राष्ट्रपति ही देता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पूरक अनुदान मांगों को भी स्वीकार करता है। चौथा है सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेना यानी जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है और प्रधान सेनापति होने के नाते वो तीनों सेनाओं में उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। और लास्ट है नई शक्तियां। न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं होती है फिर भी राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी दंडित व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, पूर्णतः माफ कर सकता है।
ये आपकी सामान्य कालीन शक्तियां होगी। अगर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी आपातकाल के समय या संकट काल के समय जिन शक्तियों का प्रयोग करता है राष्ट्रपति उन्हें आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। और राष्ट्रपति तीन परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहली है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352। जब राष्ट्रपति को लगे कि पूरे देश में या देश के किसी बड़े हिस्से में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अनुच्छेद 356। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या किसी अन्य तरीके से ये लगे कि किसी राज्य में वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अर्थात वहां की सरकार लोकतंत्रात्मक तरीके से शासन चलाने में विफल हो गई है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर आपातकाल घोषित कर सकता है। और तीसरा है वित्तीय संकट की स्थिति में। अनुच्छेद 360। जब राष्ट्रपति को लगे कि पूरे देश या देश के किसी हिस्से में वित्तीय संकट की स्थिति है या देश की वित्तीय साख को खतरा है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत पूरे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ये तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो पहली परिस्थिति अनुच्छेद 352 के तहत अब तक तीन बार भारत में आपातकाल लगा है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाया जाता है, 100 से अधिक बार विभिन्न राज्यों में लगाया गया है। कई बार इस अनुच्छेद का दुरुपयोग भी होता है केंद्र सरकार द्वारा, विरोधी पार्टी की राज्य सरकार गिराई जाती है। और तीसरा है वित्तीय संकट की स्थिति में। वित्तीय संकट की स्थिति आज तक आई नहीं है और वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल आज तक नहीं लगा है। धन्यवाद।